साथ उस वक्त मौजूद है खुद सीधी से कनिष्क तिवारी, जो न्यूज नेशन नामक टीवी चैनल के फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, जिनके साथ ये वाकया हुआ था और उनको उनके साथ पिटाई की गई थी, उनके भी अंडरवियर में तस्वीरें सामने आई थी। हमारे साथ वो मौजूद, हमारे साथ भोपाल से संजीव श्रीवास्तव जी, जो हमको बताएंगे कि दरअसल इस पूरे मसले पर मध्य प्रदेश की सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन प्रेसिडेंट सीमा मुस्तफा हमारे साथ है। हमारे साथ एनके सिंह साहब, जो ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशन के सबसे लंबे समय तक सेक्रेटरी जनरल रहे, हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हमारे बॉस रह चुके और जनसत्ता और आज तक के संपादक रहे राहुल देव जी हैं, और नागपुर से हमारे साथ फिरदौस मिर्जा साहब हैं, जो वरिष्ठ वकील। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कनिष्ठ जी हमारे बड़े वरिष्ठ लोग इस वक्त मौजूद हैं, आप जरा बताइए कि आपके साथ क्या वाकया हुआ, ये पूरा वाकया क्या विस्तार के साथ बताएं। आप अपने को अनम्यूट करें कनिष्ठ जी। सर मैं बताए प्रणाम करता हूँ। पहले तो आप सभी ने हमारी मदद की और बेइज्जत तो हम पहले ही हो गए, अब ये है कि उस लाज को बचाने के प्रयास है जो एक पत्रकार बिरादरी की लाज है। कोई मैं अकेला वहाँ पे, मेरे कपड़े नहीं उतरे, वो सभी पत्रकारों के कपड़े उतारे गए, मतलब कि जो एक पत्रकार बिरादरी के कपड़े उतरे हैं। हालांकि सर मैं वाकये में आता हूँ, ये 2 अप्रैल का पूरा वाकया है और हम एक महज प्रोटेस्ट हो रहा था जिसे कवर करने गए हुए थे। बकायदा मेरे पास हैंडी कैम है जिसमें पूरी घटना की रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। हालांकि वहां पे कुछ लोग, जब ये पूरा वाकया हो गया तो जब लोगों ने कहा कि हाथ में माइक आईडी क्यों नहीं था तुम्हारे पास, तो मैंने कहा कि जब कोई बाइट करेंगे तब तो माइक आईडी रखेंगे, अमूमन तो हाथ में माइक आईडी हर समय लेके तो इंसान नहीं घूम सकता है। और मैंने सिर्फ सर मेरी गलती, मैं आज भी मैं ये कह रहा हूँ, डंके की चोट में कह रहा हूँ सर, कि मैं कुछ फ्रीलांसिंग के रूप में, जो एक यहाँ का रीजनल लैंग्वेज है बघेली, हमारे यहाँ विंध्य प्रदेश था, हालांकि अब मर्ज हो चुका है मध्य प्रदेश में, इस वजह से हमारे यहाँ की रीजनल लैंग्वेज है बघेली, उसमें मैं पत्रकारिता भी करता हूँ। 1,70,000 सब्सक्राइबर हमारे न्यूज चैनल पे है सर, यूट्यूब के, जिसमें मैं समय समय पर सर, क्योंकि बड़े चैनल जो होते हैं वो अमूमन सर छोटे शहरों की खबरें नहीं दिखा पाते, जिससे पूरी खबरें लोगों तक नहीं पहुंच पाती, जिम्मेदारों तक नहीं पहुंच पाती, जिसके चलते उन पर लोगों का ध्यान नहीं जाता और वो छोटे छोटे मुद्दे, बड़े बड़े मुद्दे दब जाते हैं। इस वजह से उसका मैंने विकल्प चुना था। हालांकि उस दिन की मैं बात करता हूँ, 2 अप्रैल को कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं भी मौजूद था, मेरा कैमरामैन मौजूद था, एक सहयोगी और मौजूद था। वहां पर जब मैंने वहाँ के SHO TI से, थाना प्रभारी से कहा कि सर आप ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इससे तो आप ही खत्म करा सकते हैं, ये इनकी मांग है, कि क्योंकि सवाल तो मेरा जायज था पूछना सर, मैं सवाल तो पूछ रहा था वहाँ पे कि ये बोल रहे हैं कि ये बताइए कि इनके लड़के को किस अपराध के तहत जेल भेजा गया और क्या सबूत है आपके पास कि वो फेक आईडी जिसकी बात की जा रही है, उस फेक आईडी को किस तरह आपने तस्दीक किया कि वो लड़का ही मुजरिम है और आपने उसे किस अपराध, किन धाराओं के तहत जेल भेजा है। तो उनका कहना था कि आप RTI लगाने के लिए बोल दो, इनको RTI लगा ले, वो दस्तावेज निकाल ले और उनको पता चल जाएगा कि क्या दस्तावेज, किन आधार पर हमने जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा है। और सर वो देखते देखते उसी दौरान उनके फोन में एक फोन आता है जो भाजपा के विधायक के भतीजे का फोन था, जो सीधी के नगर मंडल भाजपा का अध्यक्ष है धर्मेंद्र शुक्ला, और वो फोन आता है। अब उस फोन में कौन बात करता है सर मुझे नहीं मालूम, विधायक बात करते हैं या धर्मेंद्र शुक्ला बात करते हैं या उनके बेटे गुरदत्त शरण, बात हो रही थी। तो विद इन 5 सेकेंड ये पूरा वाकया बिल्कुल, मतलब हम, आप बोलिए बोलिए कनिष्क जी, ले रहे हैं सर 5 मिनट के अंदर लाठीचार्ज हो गया सर, और सभी को बिल्कुल जानवरों की तरह सर, इंसान से थोड़ी नरमी पेश आई जाती है सर, कि और जबकि वो प्रोटेस्ट जो हो रहा था सड़क के बाहर हो रहा था, कोई भी सड़क अवरुद्ध नहीं किया गया था। वीडियो जो चल रहे हैं आप देख सकते हैं कि उसमें कोई भी सड़क में अवरोध नहीं पैदा हुआ था, सबको बिल्कुल जानवरों की तरह भगदड़ की गई, मारा गया, पीटा गया, अंदर ले जाया गया और सीधा तौर पर मुझे टारगेट किया गया सर। जब मैं आज, मुझे मौका मिल रहा है सर कि मैं बोल पाऊं आप लोगों के सामने, अपनी बात रख पाऊं, तो मैं बड़े बिल्कुल कहा जाए कि बड़े बिल्कुल सफाई से ये बात कहना चाहता हूं सर
कि टारगेट मैं था, धरना भी टारगेट नहीं था, टारगेट सीधे मैं था, क्योंकि मैंने खबरें कई चलाई हैं। हालांकि खबरें उसके बारे में बात करूंगा सर। आपके साथ कैसा व्यवहार किया गया जब आपको आपको पकड़ के अंदर ले जाया गया? आपके साथ मारपिटाई की गई, आपके बाल नोचे गए, आपके आपके कपड़े क्यों उतरवाए गए? जी जी बिल्कुल बता रहा हूँ सर कि मैं जब अंदर जाता हूँ तो सीधा हमला, पहले तो पुलिस मुझे धकेलते हुए अंदर ले जाती है, पैर में एक दो डंडे मारे जाते हैं, मुझे पता नहीं किसने मारा किसने नहीं मारा। जब मैंने वीडियो वॉच किया अपने कैमरामैन के, तो एक अशोक बंसल करके वहां पे मुंशी है, वो मुझे जो है धक्का दे के ले गया अंदर, और इवन सारे लोग जो 10 लोग थे सभी को ले गए, और थाना प्रभारी जो थे मनोज सोनी वो आते हैं और मेरे बाल पकड़ के खींचने लगते हैं। तो मैं वहां पे विरोध नहीं कर रहा था सर, मैंने सौंप दिया था अपने आप को कि आज मुझे नहीं लगता था कि 25 पुलिस वालों के बीच में हम 9 लोग कुछ कर पाएंगे। यदि हम विरोध करते तो शायद हमारे साथ और बहुत कुछ होता सर। ये तो मतलब उम्मीद से दुगना मिलता हमें, मतलब जो हम नहीं सोचे थे वो भी हो सकता सर, हमारी जान भी जा सकती थी, इसलिए किसी ने विरोध नहीं किया सर। जिसे मारा जा रहा था वो बकायदा खड़ा होकर मार खा रहा था, कपड़े उतार रहा था, ये तक हमारी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि सर हमारे कपड़े क्यों उतारे जा रहे हैं। क्यों तो आपके कपड़े क्यों उतरवाए गए सर? उन्होंने सिर्फ मतलब बेइज्जत करने के लिए सर, मुझे लग रहा था कि वो लाइव चला रहे थे, यदि उन सभी के फोन जब्त किए जाए सर, उस समय जो थाने में मौजूद थे, तो आप देखेंगे 90% वो MLA के से जुड़े हुए लोगों के ही फोन थे सर। कोई लाइव कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, और वो बकायदा वो दिखा रहे हैं और उसको खुश कर रहे हैं सामने वाले को कि ये देखो तुम्हारा रिवेंज मैं ले रहा हूँ, मैं किस तरह इनको बेइज्जत कर रहा हूँ, कपड़े उतरवा रहा हूँ, परेड करा रहा हूँ। क्या आपको ये भी धमकी मिली, धमकी आपको ये भी कहा गया कि अगर 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 अब नहीं सुधरे तो उसके बाद पूरे शहर में नंगा करके घुमाया जाएगा? जी जी बिल्कुल सर, जब मेरे मेरे बाल खींचे जा रहे थे और बाल खींचने के साथ साथ जब मेरे मारा गया सर, कमर में मारा गया, पीठ में मारा गया, मुझे खुद भी नहीं पता था, क्योंकि मैं उस समय मुझे सर विश्वास नहीं हो रहा था कि हम आजाद भारत में हैं, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं सर, मैं बड़ा संविधान और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का बड़ा सम्मान करता हूं सर, और अपने पैसे का भी सम्मान करता हूं, और मुझे इतना विश्वास था सर कि मुझे शायद इन दिनों का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। और जब मार रहा था जी कनिष्क, अब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई है? क्या जो जिन लोगों ने जिन पुलिस वालों ने मारपिटाई की, आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, उसके बाद उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या कार्रवाई नहीं, सरकार की तरफ से क्या हुआ इसमें? सर इसमें सरकार ने अभी फिलहाल 2 थाना प्रभारी जो एक अमलिया थाना प्रभारी है अभिषेक सिंह परिहार, जिन्होंने फोटो खींच के वायरल की, मैंने खुद देखी है कि उस बंदे ने फोटो खींची है और वो सामने वाले व्यक्ति को खुश करने के लिए उसके फोन में भेज रहा था, और कई बार मेरे साथ गाली गलौज किया, उसने पाइप से मुझे मारा भी, उसे हटाया गया है, पहले तो लाइन हाजिर किया गया था और फिर आज जो है ये पता चला कि उसको सस्पेंड कर दिया गया है। मनोज सोनी जो थाना प्रभारी थे उन्हें सस्पेंड किया गया है, उनको भी पहले लाइन हाजिर किया गया था, और इस पूरे मामले में जब पहला आदेश आया था तो उसमें ये कहा गया था कि एडिशनल SP पूरे मामले की जांच करेंगी, तो मैंने भी विरोध जताया था कि पुलिस की जांच पुलिस कैसे कर सकता है। ठीक है कनिष्क, आपने अपना पूरा ब्यौरा हम सब लोगों के सामने रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजीव हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए। संजीव, जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कार्रवाई हुई इस पे, संक्षेप में जरा हमारे लोगों को बताएं। देखिए, ये जब घटना इसने तूल पकड़ा पूरे मामले ने, तो शिवराज सिंह चौहान उसके बाद हरकत में आई। ये घटना तो एक हफ्ता लगभग हो रहा है, आज लास्ट सैटरडे की घटना थी, आज फ्राइडे हो गया, 6 दिन पूरे हो चुके हैं जब इसने मीडिया ने इसको दिखाना शुरू किया, और जब सारी जो जिस तरीके की वहां जो कह लीजिए पार्श्विकता दिखाई गई है, जिस तरीके का जो पुलिस का रवैया रहा वो उसके बाद हरकत में आया। उन्होंने इसकी निंदा की और साथ साथ जांच के आदेश हुए, और जो अभी कनिष्क बता रहे थे पहले तो सिर्फ लाइन हाजिर किया गया। तो दिलचस्प ये है आशुतोष जी कि जब आदेश निकाला मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने, उसने सिर्फ ये लिखा कि आपने फोटो वायरल कैसे की, उसने ये नहीं पूछा कि आपने उनको अर्दन क्यों किया, उस पर वो सवाल नहीं उठाया गया, सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया कि वो फोटो वायरल कैसे हुई। तो ये दिखलाता है, दर्शाता है कि सरकार की मंशा क्या थी, क्यों थी। फिर दूसरी चीज ये हुई कि केवल आपने लाइन हाजिर किया, जब बहुत ज्यादा इस पे पूरे बवाल मचा, इसके बाद आज जाकर दोनों को सस्पेंड किया गया है, और सस्पेंशन या लाइन हाजिर कोई बहुत सख्त कार्रवाई नहीं होती, और साथ साथ SP रेडियो को भोपाल को आज पाबंद किया कि आप जाइए इस पूरे मामले की जांच कीजिए, पहले वही लोकल SP को कहा गया था।
तो ओवरऑल जो स्थिति है, और इसकी भी एक सबसे खास जो स्थिति है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री बार बार जाते हैं मंचों से, कहते हैं कि जाइए नेस्ता नाबूद कर दीजिए, बुलडोजर चला दीजिए, तोड़ डालिए, जमींदोज कर दीजिए, गाड़ दूंगा, ये जो शब्दावली है, ये आप जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ आप कुछ भी करिए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन करिए, लेकिन इस बीच में पुलिस का ये रवैया, तो पुलिस को लगता है हमें सरकार ने फ्री हैंड दे दिया है और उस फ्री हैंड के तहत कुछ भी करने लगी। और ये जो मामला है कनिष्क का, अभी पूरा जांच में हो सकता है क्या है क्या नहीं सामने आएगा। लेकिन सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।